कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अन करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते, ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया उनका। अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है? और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनके ऊपर? क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते कि हेट स्पीच है, ये भड़काऊ भाषण है, उनके खिलाफ एफआईआर करो, अरेस्ट करो। देखिए सब एक चीज साफ है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं। हाँ, हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और आज भी वारिश पठान रिक्वेस्ट कर रहा है कायदे के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि इस तरफ की जो अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं ये लोग, उसको बीजेपी की सरकार रोके। हम चाहते हैं कि वातावरण ना खराब हो महाराष्ट्र का, ये संविधान का पालन नहीं करते, सरकार खामोश बैठी। हमारी मांग है सरकार से कि फौरन इन हेट स्पीच देने वालों के ऊपर एफआईआर करके इनको अरेस्ट करे, जेल में डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह की बकवासबाजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कायदा कानून लिया जाएगा, सख्त स्टेप लिए जाएंगे।